हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपाली श्रेष्ठा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने किचन में। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूं कुरकुरी मसाला भिंडी। मसाला भिंडी की रेसिपी मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुकी हूं, बट मैं आपको बिल्कुल ही यूनिक और अलग स्टाइल से मसाला भिंडी बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कुरकुरी मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने लिए है आधी किलो भिंडी, जिसे मैंने धो के अच्छे से पोंछ के सुखा के उसे इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने इसमें लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डालिए, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं। और मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। 10 बार लिए हैं मैंने लहसुन की कलियाँ, लहसुन की कलियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और मैंने लिए हैं 7 से 8 हरी मिर्च, अगर आप तीखा तेज पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा हरी मिर्च काट सकते हैं, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने पहले से गैस पे कढ़ाई रख दी थी, उस पर मैंने 2 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और ऑयल को मैंने धुआं निकलने तक गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा और डालूंगी इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हमने हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए लहसुन का हमारा कलर चेंज हो चुका है, बट हमने लहसुन जलाना नहीं है, बस इसको हल्का ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च और इसके साथ साथ हम डाल देंगे भिंडी और आलू। इन सबको हमने अच्छे से तेल में कोट कर लेना है ताकि हमारी भिंडी जले ना। इस तरह से स्टर करने के बाद इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो जाए और हमारी भिंडी भी हल्की फ्राई हो जाए। 5-7 मिनट होने के बाद हम भिंडी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए देखो प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है, हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे साथ साथ इसमें 1/2 चम्मच थोड़ा कम हल्दी, और हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम अपने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप मेरे तरीके से नमक डालेंगे तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है। नमक और हल्दी की अच्छे से कोटिंग करके भिंडी में इसे हम फिर से 5-7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। एक बार फिर से अपनी भिंडी चेक करते हैं। आलूओं को चेक कर देंगे गले हैं या नहीं। ये देखिए हमारे आलू गल चुके हैं। अब हम भिंडी को इसी तरह से कुछ देर के लिए खुला छोड़ के पकाएंगे, इसे हमें ढकना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए कुछ देर खुला पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे तीखी नहीं होती, इसमें सिर्फ कलर आता है। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। सारे मसाले मिलाने के बाद इसे अच्छे से स्टर कर दीजिए।
इसे 3-4 सेकंड के लिए इसे कुछ देर फिर से इस तरह खुला रहने दीजिए ताकि हमारे मसाले पक जाए अच्छे से। चलिए एक बार मसाला मिक्स कर लेते हैं दोबारा से अच्छे से। और ये देखिए हमारी कुरकुरी मसालेदार भिंडी बनके तैयार है। अब हम करते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। अगर आपको मेरी है मसालेदार कुरकुरी भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप भी ये रेसिपी घर में बिल्कुल इसी तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना अनुभव अपना ढेर सारा प्यार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।